नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ओके क्रेडिट। दोस्तों, हमारी ये खास सीरीज महिलाओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, उन महिलाओं के लिए जो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। हम ये सीरीज़ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने जब सर्वे किया, हमने जब कुछ लोगों से पूछा, कुछ महिलाओं से पूछा कि वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं या नहीं, वो बिजनेस करना चाहती हैं या नहीं, तो यकीन मानिए कई महिलाएँ ऐसी थी जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, लेकिन किसी ना किसी कारणवश से वो नहीं कर पाती। उनमें से ज़्यादा केसेस वो थे जो महिलाएं करना तो चाहती हैं लेकिन पैसे की कमी है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि सरकार ने ऐसी कई योजनाएं बनाई हैं महिलाओं के लिए जिसके ज़रिए वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं, जिसके ज़रिए उनको ये कई बार नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर मैं बिज़नेस शुरू करती हूँ तो कहीं नुकसान ना हो जाए। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली की हम बात करें तो हमें बड़े सारे बिंदुओं पर सोचना पड़ता है, जैसे हमारा बजट क्या है, हम महीने का कितना बजट जो है राशन पानी या फिर बच्चों की स्कूल फीस में लग जाता है, उसमें से कितना पैसा हमें निकालना पड़ेगा अपने बिज़नेस के लिए, और अगर वही बिज़नेस ठप हो गया तो कितना नुकसान हमें भरना पड़ेगा। और यही जब सोच विचार आता है तो एक महिला कह देती है कि बस छोड़ो, मैं बिज़नेस नहीं करती, मैं घर में चूल्हा चौका करके ही खुश हूँ। लेकिन अब ये सोच बदलनी है। सोच इसलिए बदलनी है क्योंकि अब हमारा देश बदल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके ज़रिए महिलाओं को ऋण लेने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं उठानी पड़ेंगी, और ये ऋण जो है वो आप वापस, जो लोन जो है उसकी रकम जो है वो आप आसान दरों में वापस भी कर सकते हैं। आज हम योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनके ज़रिए महिलाएँ अपना एक बिज़नेस शुरू कर सकती हैं बिना किसी सोच विचार के, बिना कोई ज़्यादा टेंशन लिए। लेकिन हाँ, हमारी एक एक सीरीज़ आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी क्योंकि हर एक व्यवसाय के लिए एक अलग लोन है, हर एक व्यवसाय के लिए एक अलग योजना है। तो आपको ये सीरीज़ देखकर पता चल जाएगा, अनुमान आपको लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा लोन और कौन सा बिजनेस फिट बैठता है। महिला उद्यम निधि योजना। दोस्तों, महिला उद्यम निधि योजना को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किया गया था, शुरू किया गया था, और इस लोन के तहत महिलाएं जो लोन लेंगी, वो लोन, वो ऋण जो है वो आप 10 साल के टाइम के बाद लौटा सकती हैं। यानी कि आपके पास कुल मिला के 10 साल का वक्त है जिसके ज़रिए आप लोन जो है अपना चुका सकती हैं। इसकी ज़रा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस योजना के तहत 10 साल के लिए लोन रीपेमेंट की सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब ये कि आपके पास लगभग 10 साल का समय होता है इस लोन को वापस करने के लिए। इस योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, डे केयर सेंटर, ऑटो रिक्शा, मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोकॉपी, रोड ट्रांसपोर्ट, सैलून, टेलरिंग और टाइपिंग मशीन समेत अलग अलग ऋण योजनाएं भी शामिल हैं। लेकिन आप जान लें कि योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि 10 लाख रुपए है, और हाँ, इस लोन के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं। उद्योगिनी योजना। दोस्तों, ये जो योजना है, इस योजना के तहत 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र की महिला को 1 लाख रुपया ऋण के तौर पर दिया जाता है ताकि वो अपना छोटा उद्योग, व्यवसाय या जो भी वो बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं वो बिज़नेस शुरू कर सके। ये लोन आपको तभी मिलेगा जब महिला उद्यमी के परिवार की वार्षिक आय 45,000 से कम है। खास बात यह है कि इसमें SC और ST श्रेणियों की विडो महिलाएं यानी विधवा महिलाएं, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को 10,000 तक के ऋण पर 30% की सब्सिडी भी दी जाती है। मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमों को शुरू करने के लिए, यानी कि छोटा कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। मसलन टेलरिंग का काम, ट्यूशन सेंटर खोलने का काम या फिर ब्यूटी पार्लर खोलने का काम, ऐसे जो छोटे उद्योग हैं उसके लिए इस योजना के तहत ऋण दिया जाता है। इस स्कीम के तहत लोन लेते समय आपको एक मुद्रा कार्ड भी दिया जाएगा, और ये मुद्रा कार्ड आपको क्रेडिट कार्ड के जैसे ही काम करेगा, और इस पर लोन की राशि के 10% तक सीमित धनराशि जमा होगी। इस योजना में 3 तरह से लोन लिया जा सकता है। आपको जितने रुपए हों आप उसी के हिसाब से आवेदन कर दें। इसमें पहले ही शिशु, जिसमें 50,000 तक लोन ही मिल सकता है,
वहीं दूसरी है किशोर, जिसमें 50,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। और तीसरी है तरुण, इसके तहत आप 10,00,000 तक के लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं। भारतीय महिला बैंक व्यावसायिक ऋण। दोस्तों, भारतीय महिला बैंक व्यावसायिक ऋण भी एक तरह का ऐसा ऋण है जो एक खास तरह का व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं के लिए है। और इस योजना के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इस योजना के तहत आप कवर कर सकते हैं, वो आपको बताते हैं। भारतीय महिला बैंक व्यावसायिक लोन को उन महिला उद्यमों के लिए लागू किया गया है जो नया कारोबार खुदरा क्षेत्र में संपत्ति या फिर SME यानी स्मॉल और मीडियम के साथ शुरू करना चाहती हैं। इस स्कीम की खास बात यह है कि इसके तहत आपको अधिकतम 20 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, और कम से कम बात करें तो जितनी आपकी जरूरत हो, साथ ही इस पर 0.25% की छूट भी दी जाती है। अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अन्न से जुड़ी हुई ये योजना है। इस योजना के तहत तमाम वो महिलाएं लोन ले सकती हैं जो टिफिन सर्विसेज जैसा काम शुरू कर सकती हैं, या फिर किसी भी तरह से खाना बनाकर बेचने का काम जो है, सर्विस जो है, वो शुरू करना चाहती हैं। इस योजना के तहत स्टेट बैंक ऑफ मैसूर द्वारा महिला उद्यमियों को 50,000 रुपये का लोन दिया जाता है। महिलाएं इसे 36 महीने की मासिक किश्तों पर भुगतान कर सकती हैं। ये लोन महिला उद्यमियों की प्राथमिक ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि बर्तन और अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए। देना शक्ति योजना। देना शक्ति योजना में आपको कम से कम 20,00,000 तक का लोन जो है बैंक द्वारा मिल सकता है। अगर महिला उद्यमी कृषि, विनिर्माण, सूक्ष्म ऋण, खुदरा स्टोर या फिर सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो उन्हें देना शक्ति योजना के तहत आवेदन करना चाहिए। इस योजना के तहत आपको अधिकतम 20,00,000 तक का लोन मिल सकता है, जिस पर ब्याज दर 0.25% होती है, और बैंक द्वारा मिले इस लोन को आप किश्तों में बांध सकती हैं और मंथली भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आज से पहले आपको लगता था कि शायद आप कोई भी बिजनेस खोलने में असमर्थ हैं, या फिर आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकती हैं, तो ऐसा गलत है। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, कई हमने आपको योजनाएं, किस तरह से आप ऋण ले सकती हैं, किस तरह से कौन सा व्यापार आप शुरू कर सकती हैं, ये हमने आपको बताया। अब अगली सीरीज़ में हम और भी डिटेल में जाएंगे। आप हमारी ये तमाम सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर महिलाएँ सशक्त होंगी ना, तो देश खुद ब खुद सशक्त हो जाएगा। और कहा भी जाता है कि वही देश स्ट्रांग है जहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। तो चलिए, हम भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और ये दौर वही है जिस दौर में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह की कोई शंका है, कोई डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।